क्लासेस कैसे आप सभी गाइस फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 35 और मैं करा रही हूँ आपको डी टी प्लस पी टी जी टी पी जी टी के लिए, यूपी टी जी टी पी जी टी, बी पी एस सी के लिए या फिर जो भी किसी भी स्टेट के टी जी टी पी जी टी के एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, तो सभी के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल वाला सकते, ठीक है। ये सीरीज़ हमारी चल रही है और एग्जाम टाइम तक मैं ये चलाती रहूँगी डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आप भी शार्प अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइज, ठीक है। मैक्सिमम लाइक शेयर करेंगे तो बिल्कुल मेरे लिए भी अच्छा होगा थोड़ा सा, और आपको भी उसका जो है फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेक्टेड और कैंसल्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेक्टेड और कैंसल्ड, जिसको कैंसल ना किया जा सके या जिस पे कोई प्रभाव ना पड़े किसी बात का, तो उसको क्या कहते हैं, इनएक्जोरेबल कहते हैं, इनफालिएबल कहते हैं, इनएक्सप्लीकेबल कहते हैं या फिर इनडेलिबल। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनडेलिबल हम उसको कहते हैं। देखिए इनफालिएबल का मतलब होता है जो कभी हराया ना जा सके जिसको, ठीक है, हराया ना जाए, ठीक वो हो जाएगा। और इनएक्सप्लेन हो जाएगा आपका बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, ठीक है, एक्सप्लेन ना किया जाए, ठीक ये हो जाएगा। तो हमारा इनडेलिबल राइट आंसर है। Who said Shakespeare is not our poet but the world's? Therefore on him no speech. तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शेक्सपियर केवल हमारे ही करेक्टर नहीं हैं, बल्कि मतलब हमारे ही पॉइट नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया के हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा और उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये बात कही है इन्होंने, ठीक है ना। तो देखें भाई किसने कहा है ऐसा, तो रॉबर्ट ब्रिजिज हैं इसमें, वॉल्टर सेवेज लैंडर हैं, या फिर आपके जिनेना ब्रेसी हैं, या फिर जॉर्ज लुइस बर्गेस हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, यानी कि वॉल्टर सेवेज लैंडर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हु सेड व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर, जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा तो मैं बहुत ही आश्चर्य से भर गया था। तो ये बात किसने कही है, रॉबर्ट ब्रिजिज, वॉल्टर सेवेज लैंडर, डी एच लॉरेंस या फिर जॉर्ज लुइस बर्गेस, किसने कहा है ऐसा। तो ये जो कथन है ये हमारे डी एच लॉरेंस का है। विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन, एवरी मैन नाम का जो एक प्ले है ये किसने इसको लिखा है गाइज, ये एंग्लो सैक्सन टाइम का है। तो उसमें जो है ना कुछ ऐसे वर्क्स हमारे रहे हैं जहाँ जो एनोनिमसली आए थे, जिनके राइटर्स का हमें नहीं पता है, जैसे कि बियोवुल्फ आपने सुना है सबसे पहली जो हमारी ट्रेजरी जो है तो उसको जो माना जाता है, ठीक है। तो बियोवुल्फ जो है एनोनिमसली है, उसके राइटर के बारे में हम नहीं जानते, ऐसे ही एवरी मैन भी है हमारा। तो इसमें जो है ये क्या है, बट ये एक मॉरेलिटी प्ले है। कैसा है मोरालिटी, मोरालिटी प्ले कैसे होते हैं देखिए मैं बता दूं आपको, जो मिस्ट्री प्ले होते हैं वो हमारे बाइबल में जो स्टोरीज होती हैं उनसे लिए जाते हैं। मोरालिटी होते हैं सेंट्स लाइव्स, ठीक है, सेंट्स लाइव्स पे जो डिपेंड रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं मोरालिटी प्ले। कॉमेडी वगैरह आपको पता ही है। हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, किसने प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट किया, रोमांटिक्स, अगस्टस विक्टोरियन या फिर यूनिवर्सिटी विट्स। तो यहाँ पे आप अगर जानेंगे तो इसका आंसर डी बनेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स हमारा आंसर हो जाएगा। हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड, मतलब एक सॉलिड ग्राउंड किसने प्रिपेयर किया शेक्सपियर के लिए। आप जानते हैं कि उसी टाइम पे या उससे थोड़ा बहुत पहले जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स ने ही इनके लिए जो है ये एक बैकग्राउंड इनको प्रदान किया, एक ग्राउंड इनके लिए तैयार कर दिया था, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो टोटल कितने थे ये बताइए, 7 थे टोटल, ठीक है। तो जो हमारे किड़ थे वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, जो किड़ को अगर हम देखें तो, बाकी जो तीन थे वो दो यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से रिलेट करते थे, है ना। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स किने कहा गया है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो पढ़े थे उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका था वो थोड़ा बेहतर था, औरों से अलग था। तो जो हमारे मार्लो हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो ये एक बड़ा टॉपिक है वैसे पढ़ाने का, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे छोटे में ही कवर एक बार करा दूँ। मार्लो हैं हमारे, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन हैं हमारे, और आपके बनते हैं एक थॉमस नैश। तो ये हमारे गाइस कैम्ब्रिज के हैं। कहाँ के हैं ये लोग कैम्ब्रिज के हैं। और अगर दूसरी मैं बात करूँ तो जो हमारे लिली हैं, जॉन लिली जिनको आप कहते हैं, लिली हैं, और हमारे थॉमस लॉज हैं, LODG थॉमस लॉज हैं, और जो
हमारे पील हैं, यानी कि जॉर्ज पील, तो ये हमारे ऑक्सफोर्ड से थे। कहाँ से थे? ऑक्सफोर्ड से थे। और जो किड थे ना, वो कहीं से भी नहीं थे, बट किड ये भी इन्हीं की तरीके से लिखते थे, इनका जो तरीका था इन्हीं की तरह बेहतर था, इसलिए इनको भी यूनिवर्सिटी विट्स में ही शामिल किया गया था। चलो ये बात तो रही इनकी, लेकिन ये कॉइन किसने किया टर्म, क्योंकि उस टाइम पर जो ये लोग थे इनको नहीं पता था कि ये कौन है, ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं। बाकी इन जो एक जॉर्ज सेंट्सबरी, जॉर्ज सेंट्सबरी, ठीक है, ये एक हमारे रहे हैं, तो इन्होंने ही गाइस इस टर्म को कॉइन किया है। कब? 16th century के दौरान इन्होंने, 15th या 16th में इन्होंने इसको जो है टर्म को कॉइन किया है। और ये सॉरी 16th नहीं गाइस, 19th century में पता चला है। और ये लोग कब के थे? ये लोग हमारे 16th century के थे, इसलिए इनको जो है बाद में पता चला लोगों को कि ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ठीक है, चलो भाई, तो विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, तो 16th century से बिलोंग करते थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑफ विच यूनिवर्सिटी? क्रिस्टोफर मार्लो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो कैम्ब्रिज से थे, मार्लो थे हमारे, और रॉबर्ट ग्रीन थे, और थॉमस नैश, ये हमारे कहाँ से थे? कैम्ब्रिज से थे, और जॉन लिली, थॉमस लोज और जॉर्ज पील जो थे हमारे ऑक्सफोर्ड से थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेम द शेक्सपियर स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ शाइलोक एंड मैनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर रहे थे इनके ग्रुप में जो शेक्सपियर थे, तो उसमें जो है उन्होंने काफ़ी चीज़ों में रोल किया। एक तो उन्होंने अच्छे से शाइलोक का भी रोल किया, और हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, इन चार में भी और अदर में भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया बेहतरीन काम किया है। तो कौन से वो एक्टर थे? तो वो एडमंड कीन थे। ठीक, चलो। Who wrote True wit is what oft was thought but never so well expressed? तो ये किसका स्टेटमेंट है? पोप, ड्राइडन, स्विफ्ट या फिर शेक्सपियर? तो ये हमारे अलेक्जेंडर पोप का है। ट्रू विट इज व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कैडमोन एंड सिनेवुल्फ, ये कौन थे? क्या ये एंग्लो सैक्सन पोइट्स थे, रोमांटिक थे, एलिजाबेथन थे, या फिर विक्टोरियन थे? तो ये आपके गाइज एंग्लो सैक्सन पोइट्स थे। एंग्लो सैक्सन जो टाइम पीरियड था वो कब था? 410 से लेकर के 1066 AD जो था वो माना जाता है हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी अग्रीड, तो इसमें क्या है? सिमिली है, इंटरोगेशन है, अपोस्ट्रोफी है, एंटीथेसिस है। तो गाइज देखिए, जो कोई भी हमारी जो लाइन आपको दिख रहा है कि ये वर्ब से शुरू हो रही है, वर्ब से शुरू अगर इस टाइप से होती है क्वेश्चन जिसमें किया जा रहा है, तो आप उसको इंटरोगेशन लगा सकते हैं। हु रोट दैट, किसने कहा है? नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी दैन टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय द ग्रेट, एंड जॉनसन्स वर्ड्स, और जॉनसन के शब्दों में आपको पता है कि किसने लिखा था? जॉनसन ने लिखा था गाइज, इनका प्रीफेस लिखा था, प्रीफेस टू शेक्सपियर, है ना, तो उसमें शेक्सपियर आर ग्रेट ऑनर, ये लाइन्स कही हैं। तो हु रोट दैट, इन लाइन्स के बारे में जो प्रीफेस जॉनसन ने लिखा है, उनके शब्दों को के बारे में किसने ये बात कही है कि नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी दैन टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय द ग्रेट एंड जॉनसन्स वर्ड्स? तो ये यहाँ पे T.S. एलियट हैं, ड्राइडन हैं, जॉनसन हैं, या फिर आपके अर्नोल्ड हैं, कौन इसमें आपका आंसर बनेगा? जी बिल्कुल। यस यस, आओ भाई। हाँ, तो कौन कौन से थे? सॉरी गाइज, एक छोटा सा होता, अच्छा क्या बोल रहे थे? हाँ, नो पोएट वाला था। चलिए, तो देखिए इसमें है हमारे T.S. एलियट, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हु जॉइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कासल? हु जॉइंस बर्नार्डो, बर्नार्डो के साथ और कौन कौन होता है, वॉचमैन जो है बर्नार्डो, उसके साथ कौन कौन होता है कासल में जब वो निगरानी कर रहा होता है? तो फ्रांसिस्को था होरेशियो, या फिर मार्सिलस और होरेशियो, या फिर प्रिंस हैमलेट एंड मार्सिलस, या फिर फ्रांसिस्को एंड प्रिंस हैमलेट? तो कौन सा यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है? तो इसका जो आंसर बनेगा गाइज, वो बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि मार्सिलस और जो होरेशियो थे वो उन्होंने ज्वाइन किया उसको। वट प्रूव टू होरेशियो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हैमलेट? वट प्रूव, किस मतलब किस चीज़ से ये प्रूव करता है होरेशियो को कि दैट द घोस्ट इन
दैट ऑफ किंग हैमलेट, की जो घूस्ट है ना वो किंग हैमलेट का है. हिज असेंट, हिज रिजेम्बलेंस टू प्रिंस हैमलेट, हिज आर्मर या फिर हिज स्टोरी. तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, हिज आर्मर यहाँ पे इसका आंसर होगा. हाउ डज होरेसियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट्स घूस्ट. जो होरेसियो है वो उसकी जो अपीयरेंस है उसके बारे में कैसे वर्णन करता है हैमलेट के सामने, जो घूस्ट होता है उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करता है होरेसियो. ही सेज इट्स वार्निंग साइन, ही सेज इट्स साइन, he claims a sign of king wishes for his son, या फिर he calls it a sign of occult. तो ये जो आपका आंसर है ये ए ऑप्शन है, he says it's a warning sign, करेक्ट. चलिए 14 ब्रास कौन था, ये भी हैमलेट में ही था. तो 14 ब्रास कौन था, देखिए 14 ब्रास जो था वो आपका प्रिंस ऑफ नॉर्वे था. एक सेकेंड, हाँ प्रिंस ऑफ नॉर्वे था और इसके फादर की डेथ कर दी थी किंग प्रिंस हैमलेट के फादर ने, ठीक है. किंग हैमलेट ने इसकी डेथ इसको जो है इसके फादर की का मर्डर किया था. पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667, 10 बुक्स के 10 बुक्स के, जो इसमें जो था वो 10 बुक्स में था और जब 1671 में दोबारा आया था तो 12 बुक में था, ठीक है. तो अगर ऐसा पूछा जाए नॉर्मली कि कितनी बुक्स हैं तो टोटल आप 12 बताएंगे, और अगर ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट एडिशन में कितनी थी तो आप 10 बता देंगे, ठीक है भाई. तो पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंडन. तो हु वॉज इट्स पब्लिशर, किसने पब्लिश करवाया था इसको, तो ये आपके सैमुअल हाँ यही है आपके ना सैमुअल सिमोन जो थे वो इनके पब्लिशर थे. अच्छा गाइज लाइक शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है अब तक, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत विनम्र निवेदन है, ठीक है. पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोयम एंड अबाउट सिविल वॉर. अच्छा बताइए, अबाउट सिविल वॉर मतलब सिविल वॉर के बारे में एक पोयम है. सैटर्न रेजेस इम्पायस वॉर इन हेवंस बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ देम देन एबल्स इन रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, ठीक है. आपको पता ही है कि रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड है, इसमें जो सैटर्न है वो रिवोल्ट करता है गॉड्स के अगेंस्ट. तो कौन कहता है कि ये एक सिविल वॉर है, इस बात को कौन कहता है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, डॉक्टर जॉनसन, जॉन लियोनार्ड, कॉलरिज या फिर वर्डसवर्थ. तो ये आपके बी ऑप्शन है, यानी कि जॉन लियोनार्ड ने जो ये बोला है. हु आर्ग्यूड, कौन ये आर्ग्यू करता है, क्योंकि है कि मिल्टन्स डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड है ना, कि गॉड को विकट बनाने का जो श्रेय है क्रेडिट है वो मिल्टन डिजर्व करता है. सिंस द घूस गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विकट गॉडेस. तो विलियम एम्सन की स्टेटमेंट है, एफ आर लेविस हैं, आई ए रिचर्ड हैं या फिर आपके पी बी शैली हैं, किसने ऐसा बोला है, तो ये विलियम एम्सन है. अच्छा विलियम एम्सन की एक बहुत ही बढ़िया वो है गाइस बुक, द सेवन टाइप ऑफ एम्बिगिटी, ये आ जाएगी कहीं पे भी, द सेवन टाइप ऑफ एम्बिगिटी, ये याद रखिएगा इसको जरूर से, ठीक है. चलो Only love makes fruitful the soul. Love beyond measure, beyond death. बताइए गाइस. तो देखिए यहाँ जो है ये कहाँ से है, Only love makes fruitful the soul. Love beyond measure, beyond death. बहुत प्यारी लाइन है, ठीक है ना. और ये लाइन जो है आपकी बियॉन्ड की है. बियॉन्ड किसका है, गार्ल्सवर्दी का है. सारे ही वर्क्स ये जो दिए हैं इस कॉलम में ये गार्ल्सवर्दी के हैं, ठीक है. अब बिट ऑफ लव भी, सिल्वर बॉक्स भी और फ्रेटर्निटी भी, ठीक है भाई. अच्छा इसमें चलिए आगे देखेंगे. आई कैन नॉट एक्सप्लेन, देयर आर थिंग्स दैट आई कांट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन. मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे दैट कैन की कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकती हैं, स्पष्ट नहीं हो सकती हैं, बिकॉज क्योंकि यू आर विलफुली ब्लाइंड, क्योंकि तुम अंधे बने रहना चाहते हो और दैट आई बिलीव इन, है ना. तुम जो जिन चीज़ों में मैं बिलीव करता हूँ ना, तुम उनके प्रति जानबूझकर अंधे बने रहना चाहते हो, तुम उनको जानना ही नहीं चाहते. तो ये लाइन कहाँ की है, ये आपकी सेंट्स प्रोग्रेस की है, जो कि किसका है, ये आपका जॉन गार्ल्सवर्दी का है. A genre of speculative fiction set in a fictional universe, often inspired by real world myth and folklore. बताइए, एक genre है जो speculative fiction है, set in a fictional universe, often inspired by real world से inspired है, real world में जो myth हैं उनसे inspired है, folklore से inspired है. तो ये fantasy है, science fiction है, campus novel है या फिर आपका ये बन रहा है क्या, रोमांटिक नॉवल, क्या होगा इसके अंदर, ये आपने बताना है भाई, ठीक है भाई. चलिए तो ये आपका फंटेसी है, क्या है, फंटेसी ए ऑप्शन करेक्ट है.
द फोर पीज बाय जॉन हेविड, जॉन हेविड का एक वर्क है फोर पीज। ये क्या है, कॉमर्शियल प्ले है, इंटरल्यूड है, मिस्ट्री प्ले है या फिर मिरेकल प्ले है? तो ये इंटरल्यूड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अ लाइन 12 सिलेबल्स विद अ मेडिकल सिजोरा, मीडियल सीजोरा, बीच में इसमें पॉज आता है और 12 लाइंस का ये सिलेबल है, तो इसको क्या कहते हैं, अलेक्जेंड्राइन। ठीक है भाई, अलेक्जेंड्राइन कहते हैं इसको। चलिए तो यही थे आज 25 क्वेश्चन हैं, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और तब तक ले सारी क्लासेस फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ठीक है, ओके गाय, बाय गाय, सॉरी बाय।